अब बढ़ते हैं आगे। जिले में सैकड़ों युवाओं को गारंटीड सरकारी नौकरी के सपने दिखाकर लाखों रुपए की फीस ऐंठ कर करार हुए कोचिंग सेंटर संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित युवाओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि पुलिस भर्ती की कोचिंग के नाम पर जोधपुर निवासी पुलिस अधिकारी की पत्नी द्वारा बीकानेर में अर्जुन क्लासेस के नाम से कोचिंग सेंटर खोला गया है, जिसमें युवाओं को पुलिस में गारंटीड सिलेक्शन के नाम पर मोटी फीस वसूल ली जाती है। एक महीने पहले सेंटर चालक सैकड़ों बेरोजगारों की फीस बटोर कर सेंटर को ताला लगाकर फरार हो गए। इसके बाद से ही ठगी के शिकार हुए नौजवान भटक रहे हैं। ना तो पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है और ना ही कोचिंग सेंटर संचालकों से संपर्क हो रहा है। वहीं स्टूडेंट्स का कहना है कि हमको सपने दिखाए, पैसे ऐंठे और फिर अचानक से गायब हो गए। अब सेंटर के मालिक की कोई खबर नहीं है। वहीं आज पीड़ित युवाओं ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप कर फीस वापस करवाने दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने और राज्य के दूसरे जिलों में बेरोजगारों को इस लूट से बचाने की मांग की है।